हेलो यूट्यूब फैब्रिक, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू आवर वीडियो। गाइस आज फिर से खेलने जा रहे हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सब गाड़ियाँ और बाइक्स का नंबर। तो गाइस अगर आप लोग भी अगर खेलते हो तो आपको बता दूँ कि अगर आपको बॉय चाहिए तो 1 नंबर डलवाना है, जैसे मेरे पास बॉय है तो मैं गर्ल के लिए करूँगा 2 नंबर और डायल करना है 2। तो आज ये देखो ये आ गई, समझ रहे हो? अभी इसको मैं मारना चाहूँ तो मार सकता हूँ, ऐसे इसको नहीं मारेंगे हम, अपने एक बंदे को बुला सकते हो। सॉरी एक मिनट, हाँ एक नंबर डायल करते हैं। अब देखो हाँ ये आ गया बंदा, तो अब इसके साथ मुझे जैसे मारना है, ये मारा देखा, एक झटके में ख़त्म हो गया ये। तो अभी एक पंच में इसको सुला देना है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो एक और पन्नी चाहिए इसको, एक और को बुलाते हैं और एक इसको मारूंगा मैं। अब खींच के रुक बेटे, कहाँ जा रहा है? ये ले तेरी, ये भी गया। तो गाइस जैसे आपको पता है ये रही अपनी 1119 RC। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड नंबर पे कौन सी, पहले नंबर पे मुझे जो बाइक दिखती है मैंने लिख रखा है बाकी पहले वीडियो में, और इस वीडियो में नहीं लिखूँगा नंबर्स, पहले वाली वीडियो में मैंने लिख रखे हैं। तो मुझे चाहिए RS 200, तो 5000 डायल करेंगे। ये आ गई अपने पास RS जो रेड कलर में है, और बहुत 3D गेम है तो भाई थोड़ा रियल इफेक्ट्स लगेंगे। बाकी हेलमेट पहन लेते हैं पहले। ओके हेलमेट पहन लिया है सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। तो गाइस बहुत से मोड्स भी है जो मैंने डाल रखे हैं, तो ये बाइक को भगाते हैं। और आप लोग ये GoPro एक्शंस भी कर सकते हो। तो अभी इसको साइड में खड़ा करते हैं, अभी वहीं चलते हैं वापस, क्योंकि घर के पास बहुत अच्छा लोकेशन भी लगता है और 1119 के साथ इसको खड़ा रखेंगे तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट भी लगेगा। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ अपने एक फ्री फायर पे जैसे अपन शूटिंग करते हैं वैसे ही इसके साथ भी एक शूट हो जाए पूरा 365 इस पर भी कर ही लूँ ऐसा सोच रहा हूँ। पर मैं 100 के ऊपर नहीं कर पाऊँगा यार, मुझे पता है इस पर 100 से ऊपर क्या करूँ मैं, 100 तक ही कर लूँगा इसके ऊपर। तो बाकी स्टोरी लाइन जैसे ही करूँगा, क्योंकि आप लोग स्टोरी बनाएंगे एक मस्त जैसी। ओके क्या हो गया? तो ये रही अपनी 1119, और अभी इसके बाजू में लाने हैं मेरे को जैसे कि हायाबूजा, जैसे कि सबको पसंद होती है हायाबूजा। तो अभी हायाबूजा को मंगा लेंगे, 7000 डायल करना है। ये क्या 7000 डायल, और ये आ गए अपने पास पुराना एडिशन है जो पुराना आता था पहले वाला जो बंद हो चुका है वही वाला है ये, अभी न्यू 2021 तो नहीं है, बाकी आ जाएगा जल्दी। और इसमें स्पीडोमीटर भी लाया जैसे दिखता है जैसे हायाबूजा का ही लग रहा है सेम इफेक्ट्स। तो हेलमेट पहले पहन ले, और 2 एग्जॉस्ट वाई, और सिंगल सीटर ही दिख रही है अभी तक तो, और इसमें लग तो रही है हायाबूजा है सामने से, वाई इस हायाबूजा की फील आती है। तो चलो इस हायाबूजा को थोड़ी भगा के देखते हैं कहाँ तक भगती है। तो ये भगी 200 तक तो चली जाती होगी, 300 जाती होगी मिनिमम, 300 पन जा ही नहीं रहे, 280 शायद तक होगी, 60 तक हो सकती है। बाकी इसमें स्पीडोमीटर नहीं है तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और साइलेंसर डबल है ना तो मज़ा आए अलग है। और अभी हम लोग एक्टिवा भी मंगाएंगे, एक्टिवा तो कल भी मैंने मंगाई थी पर आज भी दिखा दूंगा एक्टिवा। और इसको ले जाते वापस अपनी लोकेशन पे, ये आ गए अपने घर के पास, और 1119 भी खड़ी है इधर। तो 1300 सीसी की भी एक बाइक खड़ी रहने दे, मतलब 1300 सीसी की बाइक ना हुई तो क्या मज़ा, 1119 है भाई तो 1300 सीसी क्यों नहीं हो सकती, 200 सीसी ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती। ओके इसको भी यही खड़ा कर देते हैं, पूजा को भी, और ये 3 बाइक से भी हम लोग चला चुके हैं ऑल राइट। तो अभी एक एक्टिवा मंगा लेते हैं हम, क्योंकि स्कूटर भी तो चाहिए, तो अभी स्कूटर के लिए डायल करना है 0000, मतलब 4 अंडे। और ये आ गई वाइट कलर में अपने पास एक्टिवा, और अभी इसको लेके चलते हैं। ये बैठ गए, पहले हेलमेट पहन लो जी, हेलमेट पहनो जी, ये हेलमेट नहीं पहनता, चलो एक्टिवा में तो चलता है वैसे भी, एक्टिवा में तो अंदर से भी ऐसी लुक आएगी एक्टिवा की। बाकी स्पीडोमीटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा, मतलब कुछ इफेक्ट्स के लिए करा होगा क्योंकि वैसे भी ये लंबा बंदा है।
और एक्टिवा तो कहाँ तेज़ भगने वाली है, ज़्यादा 80 से ऊपर तो जाती होगी, 80 तक भी पता नहीं भाई, 80 तक ही जाती होगी, 7-80 बाकी क्या पता। और ये खड़ी कर देते हैं RS के बाजू में, क्योंकि ये स्पोर्ट बाइक तो है नहीं भाई। भाई रिवर्स में भी ऐसे चलते, ओ भाई थूक जाते हो भाई, थूक जाते भाई। पावर पिकअप एक ही हाथ में आता है भाई, जैसे नहीं पहले गियर पे इतना आएगा, दूसरे गियर में इतना आएगा। तो इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। इसको खड़ा करने के बाद अब हम कौन सा मंगाए, अब हम मंगाते हैं गाड़ी तो भी नहीं मंगाते हैं, गाड़ी तो विवाद में मंगाते हैं। तो हम मंगाते हैं पहले अब कौन सा मंगाए यार, बुलेट मंगाते हैं, बुलेट बुलेट सबकी फेवरेट होती है। तो बुलेट के लिए हमको डायल करना है 9999 49। ओके गाइस, तो आ चुके हो भाई, आवाज़ भी क्या मस्त आता है भाई, आवाज़ भी मस्त है इसकी तो, जैसे कि रियल बुलेट कैसी। तो भाई ये भी सिंगल सीटर क्यों है। तो अब भाई आपको पूरा लुक दिखा देता हूँ, आगे से भी भाई मस्त लुक है, हेलमेट पहन रहा है ये, आगे से भी मस्त लुक है, थोड़ा डिफरेंट लगता है, 3D है। तो इसको चलाते हैं और आवाज़ भी बराबर आ रही होगी आपको, ठीक है, हेडफोन पहन के सुनना भाई आवाज़, बेशक आप लोग हेडफोन पहन के आवाज़ सुनोगे तब पता चलेगा। तो थोड़ी आवाज़ कट रही होगी, पर आवाज़ बुलेट की आती है भाई, भाई बुलेट मस्त आवाज़ करती है। भाई पिकअप भी हूँ तगड़ा है इसका, भाई पिकअप तो बहुत तगड़ा है इसका भाई। ओ भाई 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 भाई, भाई। तो इसको खड़ा करते हैं, एक्टिवा को हटाते फिर इसको रखते हैं, क्योंकि भाई किंग है भाई, स्टील की बाइक है, प्लास्टिक चलाते बच्चे, हम चलाते हैं लोहा। तो इसको साइड में रखते हैं, एक्टिवा सबसे अलग रहनी चाहिए भाई। तो अपनी बुलेट को लाते हैं यहाँ, हाँ बुलेट को लाते हैं, अभी बुलेट को यहाँ खड़ा करेंगे, मस्त आएगी फील, क्योंकि भाई ये प्लास्टिक को साइड में रखना पड़ता है, स्टील की बाइक को पहले बीच में रखना चाहिए। ओए भाई 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 भाई, भाई। अबे ठुक जाती, अबे ठुक जाती, अब ठीक है, अब आएगी ना फील, क्योंकि एक साइड RS खड़ी है, एक साइड ओ भाई 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 भाई, अपना बंदा थोड़ा आगे भग जा रहा है। तो भाई एक साइड खड़ी है अपनी बूजा, एक साइड खड़ी है RC 1119, RS 200 बुलेट जो 350 cc आती है, एक्टिवा जो पता नहीं 3G है 6G है कौन सा है, मेरे को मॉडल ही पता नहीं चल रहा यार। चलो इसको तो अभी रख देते हैं, तो पीछे और एक और इसको थोड़ा आगे, ओ भाई इसको बाद में खड़ा कर लेंगे अपन, क्योंकि अभी बाइक्स और बाकी हैं। तो अभी हम लोग लाते हैं अपनी इंडियन की बाइक, जो सबको सबको पसंद और आती है, स्टील की बाइक तो एक पता है भाई बहुत पसंद है, पर एक और बाइक भी है जो आपको बताऊंगा नाम बाद में, पहले हम डायल करते हैं 9000। ये रही स्प्लेंडर गाइस, 97 cc की स्प्लेंडर जो बहुत अच्छी आती है भाई, और सबको बहुत पसंद भी आती है क्योंकि एवरेज अच्छा खासा है इसका। तो गाइस स्प्लेंडर को चलाते हैं, स्पीडोमीटर तो भाई अलग ही दे रखा है, मतलब एक साइड जहाँ पेट्रोल आता है वहाँ वो दे दिया है जो 1000 cc, पता नहीं मेरे को तो RPM मीटर क्या बोलते हैं, और एक साइड तो जो सेम आता है वही। बाकी भाई इसकी पिकअप भी बहुत तगड़ी है, पिकअप भी तगड़ी है इसकी, और भाई बहुत हल्की बाइक है, तो हल्की बाइक में पहले ही आती है। चलो इसको भी लेके चलते हैं फटाफट वापस, और इसको खड़ा करेंगे भाई बुलेट के बाजू में, नहीं करते हैं अभी तो, और एक स्पोर्ट बाइक बाकी होगी मुझे लग रहा है, पर नई बात की होगी तो भी अलग कर लेंगे।
बाकी चलो जहाँ पे रखने हैं रख देते हैं, पीछे एक्टिवा के पीछे ही रख देते हैं। अभी एक्टिवा किसने गिरा दी भाई, एक्टिवा किसने गिरा दी? चलो गिर गई होगी, अपने को क्या है, अपने को तो स्प्लेंडर खड़ी करने दिया। भाई इसको यहाँ खड़ा कर देता हूँ अभी अभी के लिए। और अभी हम लोग मंगाते हैं, कौन सी मंगाई यार, हेलीकॉप्टर भी आता है गाइस, पर हेलीकॉप्टर मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको उड़ाना पड़ेगा वही सब। बाकी बैग मंगाने के लिए आपको 200 दबाना है, बैग आ जाएगा। तो बैग के लिए खाली फोकर का 200 क्यों मंग करूँ। गाड़ियाँ भी फिर करते हैं, तो गाइस 1119 सीसी वाली जो बाइक है उसके लिए 1119 ही दबाना है, तो वो आ जाएगी। बाकी अभी मुझे चाहिए KTM, तो मैं मंगाऊँगा KTM 390 जिसका नंबर है 1210। ये आ चुकी है KTM 390, ठीक है भाई। ये भी तगड़ी बाइक है, एक RC ये भी भाई, ये उतर गया अपना बंदा। और इसको आप चलो भगाते हैं अभी, आप लोगों ने देख ली। और इसका बीच में डिजिटल नहीं है, वो एनालॉग है जो भी बोलते हैं, मुझे पता नहीं है बाकी। और ये भगाना शुरू कर दिया है मैंने, बस अभी। ओ भाई वैगनार से टकरा गई बाइक, शिट बे यार। चलो अभी हम तो निकलते हैं अपने काम से, अपने को अपने काम से काम रखना है, उससे पंगे नहीं लेने हैं। बाकी भाई RC बहुत तगड़ी लगती है, बुलेट के बाजू में नहीं, इसको हायाबुसा के बाजू में खड़े करते हैं, क्योंकि ये भी कोई कम नहीं है, ये भी कोई कम सीसी की बाइक नहीं है भाई। टक्कर देती है बुलेट को और RS को, बहुत तगड़ा टक्कर दे देती है भाई ये। बाकी इन सबको तो टक्कर देती ही होती होगी, पर भाई एक बाइक होती है जो जो बहुत तेज़ भगती हो, वो ये है साइलेंसर के, आप पता चल गया होगा 390 है ये, क्योंकि 390 के सिवा कोई और इतनी तेज भग भी नहीं सकता। बाकी साइलेंसर आप चेंज करा सकते हो, बाकी वही है। ये खड़ी कर दी, अब उतरते हैं और अब मंगाते हैं ड्यूक जो पूरी मॉडिफाइड है, जिसका नंबर है 4215। ओके, तो आज मुझे सब नंबर थोड़े बहुत याद हैं। और ये भी उसके जैसे कलर है, वरना इसमें स्पीडोमीटर नहीं है, पूरे मॉडिफाइड है, 200 है, बाकी ये 200 है, बता देता हूँ, 390 नहीं है, ये 200 है, फुल मॉडिफाइड जिस पर आप लोग सर्च कर सकते हो। ये देखो स्टॉपी कैसे उठ रही है पीछे से, स्टॉपी बहुत अच्छी उठती है इसमें। बाकी गाइस इस पर व्हीली उठा सकते हो, पर उसके लिए एक आपको मोड दिया जाता है जो मैंने लास्ट में लिख रखा है, उसका भी नंबर है 7112। ओके, उससे आपकी व्हीली उठेगी, पर बाइक सब में उठी रह जाएगी, वो उठ के चलेगी और बहुत स्लो मोशन हो जाता है, तो उसको अच्छा आप लोग चलाना ही बेटर समझो। इसको खड़ा कर देते हैं हम, इसको खड़ा करते हैं हम यहाँ। भाई इसको खड़ा कर देते हैं यहाँ, नहीं यार यहाँ नहीं, बस यहीं ठीक है, इसको तो यहीं खड़ा कर दो, और क्या चाहिए। और अभी हम लोग मंगाते हैं मेरी एक फेवरेट बाइक, जो मुझे पसंद तो है पर उतनी फेवरेट नहीं है मेरी, भाई ऐसा मत समझा, फेवरेट बाइक मेरी है। ओके, तो उसका नाम है पल्सर। ओके, तो सबको पता चल गया होगा, 1211 मतलब इसका नंबर भी बहुत अलग।